नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। घरों में पानी की सप्लाई न होने पर कस्बा वार्ड नंबर 8 कश्यप बस्ती की महिलाओं और पुरुषों ने जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। आज सुबह करीब 10 बजे ऑटो में सवार होकर जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय पहुंचे वार्ड नंबर 8 के निवासी गैजो, मीना, सुनहरी, कृष्णा, पिंकी, सतपाल, बीरबल, तरसेम आदि ने बताया कि करीब एक माह से उनके घरों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। पानी की किल्लत के चलते बस्ती में पीने के पानी और कपड़े धोने और बर्तन धोने की समस्या उत्पन्न हो गई है। कोरोना संक्रमण के दौर में उनकी समस्या और भी बढ़ गई है। उन्होंने बताया है कि उनकी बस्ती के आसपास लगे नलकूपों का पानी खारा और नमकीन है, जिसे पीना तो दूर, कपड़े भी नहीं धोए जा सकते। पानी सप्लाई नहीं होने के कारण दूर दराज से उन्हें पानी भरकर लाना पड़ रहा है। पानी सप्लाई की समस्या को लेकर वे कई बार विभाग अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनकी इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। जन स्वास्थ्य विभाग SDO सुरेंद्र दलाल और JE अजय ढोल से बात की गई तो उनका कहना है कि कुछ लोगों की ओर से बस्ती के आसपास प्लॉटों में सब्जी लगाई गई है, जो सप्लाई का पानी सब्जियों में छोड़ देते हैं। इसके कारण घरों में पेयजल सप्लाई का संकट उत्पन्न हुआ है। सप्लाई के पानी से सब्जी लगाने वालों की पहचान की जा रही है, जल्द ही उनके कनेक्शन काटे जाएंगे। कलायत से हमारे संवाददाता कुलदीप परमार की रिपोर्ट। सौ 150 जी आज मारा सारे बीमार पड़े हैं, पानी गिनते लग रहे मरन। पूरा कोई नहीं सुनता हमारी, ना SDO उरा ना JE है, हमें लठ भी बजावेंगे उरा मरांगे और मारांगे। समझे हो मरा ठीक है, कह दन तो नहीं आ गया, अमीन ना हो गया आज, ऊपर जाओगा तुम। कोई समाधान ना जी, उन्हें कोई समाधान नहीं, मारा करया ना सुनाई करी किसे, कोई नहीं करता हमारी सुनाई। कोई समस्या भाई पानी की है भाई, कोई नहीं मिले,